हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं लोटा पानी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं वेन्यू के। बरियातू में है तो यहाँ पे हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा धूप है आज। तो आप सब भी मेरे साथ इंगेजमेंट पार्टी इंजॉय करिए और मैं सारा प्रोसेस दिखाऊंगी कि कैसे हमारे आदिवासी कल्चर में इंगेजमेंट होता है। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन और समय के लिए हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बारिश आए हैं उनको हम लोग स्वागत करेंगे।
भी पुनः नाश्ता दिया जाएगा, तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद में अगला कार्यक्रम आप लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद। फोटो खिंचवाने आई थी, लेकिन इतना ज़्यादा धूप है कि फोटो अच्छा नहीं आ रहा है ना, तो शांति से बैठी हुई है यहाँ पे। गाँव है कि कोई क्या है?
कदम में देखते हैं वो भी ईश्वर की ही योजना है, ईश्वर ही वो कदम चलाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। तो आप हम लोग दीपेन की तरफ से पूछते हैं, दीपेन क्या बोलते हैं? दीपेन, अगर आपका कहीं कोई है या आपका कहीं इधर उधर आप देखे हैं, यहाँ आप आज ये आभा दीपिका के पास आई हैं, लेकिन हो सकता है आपको ये आभा दीपिका से इससे ज्यादा मतलब सुंदर कहीं देखे होंगे, तो अभी सोच लीजिए, फिर बाद में सोचना अच्छा नहीं होता है, तो अभी ही इसको क्लियर कीजिए। और अगर आप दूसरों से आपको अच्छा लग रहा है ये आभा दीपिका, तो एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए, एक कदम आगे बढ़ाइए। तो दूसरा कदम में तो बहुत हिचकिचाहट हुआ ये दीपेन को। और लोटा जो है, लोटा ये दीपेन का साइन है, दीपेन का मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ। ये दीपेन जो है मतलब ये लड़का है, लोटा को लड़का माना गया है, और लोटा के अंदर में पानी है, वो पानी जो है लड़की होती है, और लड़की जो है बहुत चंचल होती है। पानी को आप लोग जानते ही हैं, पानी फोड़ फोड़ के कितना भी बड़ा बांध बनाया जाता है, बहुत मजबूत बनाया जाता है। और दीपेन आप खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत अच्छा। तो ठीक है, आप आभा को दीजिए। ये जो तीन बार होता है ना लेन देन, तीन बार जो होता है वो पवित्र त्रित्वा का साइन है, तो इसको ध्यान दीजिए। दूसरी बार दीपेन को दीजिए। दीपेन अगर खुश है तो खाली लोटा को रख के मतलब बढ़िया से रखिए, और उसके बाद में फिर देना है, फिर एक बार वापस दीजिए। अच्छा, तो अभी आप लोग को करेंगे ये जय जीसु बोलेंगे, एक दो तीन जय जीसु। गोर दुलावन ऐसे नहीं होता है, बहुत ये एक्सपेंसिव है ये। अभी दीपिका ये दीपेन को रुमाल बांध रही है, तो रुमाल भी वेरोनिका का ये प्रतीक है। वेरोनिका भी यीशु को जब उसको क्रूस धुआ कर ले जा रहे थे, उस टाइम वेरोनिका भी
पसीना पोंछने के लिए रुमाल दी थी, तो यही इसमें भी लागू होता है। और इसीलिए हर लड़की लोग कोशिश करते हैं हर लड़का को रुमाल देने के लिए, ये भी धार्मिक साइन है। ये भी आप लोगों को देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, और देखिए आंसू बोलिएगा। अभी हम लोग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक ही ये दिशा में है। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अनु भी गजरा लगाई है ना, वाओ अच्छा लग रहा है। जब भी कुछ अच्छे काम के लिए निकलो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाता है, तो आज मेरे साथ वही हुआ है। मेरा सैंडल टूट गया है, तो मैं दिखाती हूँ। देखिए ऐसे दो भाग में हो गया है। अब मैं इसे सिलाई कराने आई हूँ, देखते हैं कब होता है। तो ये लोग मैच के लिए अपना जूता सिलाई करा रहा है, कल का तैयारी चल रहा है। कहाँ पे हो रहा है मैच?
कहाँ पे? अच्छा जीतेंगे बोलो। तैयारी कर रहा हूँ। हाँ इसलिए तैयारी चल रहा है, ग्राउंड में सिलाई कराया जा रहा है। क्या मिला जीतने पर? 500 मिला। 500 का क्या किया? जूता सिलवा रहा है। अच्छा 500 रुपए मिल गया जीतने पर। और कल क्या मिलेगा? मतलब पोटवार महुआ टोली ग्रुप। अच्छा अच्छा लग रहा है, इससे मजबूत हो जाता है ना। मैंने पूरे सैंडल को सिलाई करवा दिया है तो बस हो गया है। बाजार में हमें क्या है देखो, 300 रेस का मुनाफा हुआ है तो हमारे लड़के चलिए धन्यवाद। जो कुछ भी मांगते हैं मेरा स्वर्ग पिता हमें प्रदान करता है। हाँ पिता इस घड़ी है तो आप क्या कहते हो बेटी? पार्टी में मेरी स्कूल की फ्रेंड मिली है। हाय। तो हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। और हम लोग स्कूल में काफी मस्ती करते थे और अभी मिल रहे हैं बहुत दिन बाद। एक फ्रेंड मेरी ये है जो मुझे पता नहीं था कि इनकी रियल सिस्टर ही मेरी भाभी बनने वाली है। तो कैसा लग रहा है? है ना डेजी? माइंड कर देना ना तो। वाओ कितना सुंदर लग रहा है। मामा मामा के
भैया आप भी? हाँ अब अच्छा है। दिल बोल रहा है। क्या ढूंढ रहे हैं भैया? दिल। कहाँ? दिखलाइए जरा। समय लगेगा। मिला क्या? दिखलाइए। ये क्या है? खाना वगैरह हमने खा लिया है और विदाई हो रहा है। मिलते हैं आपसे घर पहुँच कर, है ना? घर के लिए निकल रहे हैं और शाम भी हो गया है। हमने काफी ज्यादा एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। दीपेन भैया के साथ गए थे? दीपेन भैया की छोटी बहन। भैया को याद नहीं है। भैया को याद नहीं है। आप पहचाने? फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।